जेएमडी न्यूज चैनल के इलेक्शन लेटेस्ट में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उन्नाव लोकसभा सीट की। बड़ी महत्वपूर्ण सीट है ये, क्योंकि कानपुर औद्योगिक राजधानी है उत्तर प्रदेश की, तो लखनऊ राजनीतिक राजधानी है। इन दोनों के बीच का ये क्षेत्र है उन्नाव। खूब राजनीतिक चर्चा होती रहती है, राजनीतिक सरगर्मी होती रहती है। यहाँ पर एक और चीज़ बता दें, ये उन्नाव लोकसभा सीट सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, छायावाद के महान कवि थे, उनका स्थान है, इसलिए यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। साहित्य की नगरी कहलाती है यह, यहाँ से बहुत साहित्यकार हुए हैं। लेकिन आज हम चुनाव की बात कर रहे हैं, तो चुनाव की चर्चा करेंगे। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साक्षी महाराज प्रत्याशी हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद महाराज साक्षी जिनको कहा जाता है, वो प्रत्याशी हैं। 2014 में भी वो जीते थे। इसके अलावा कांग्रेस से अन्नू टंडन हैं प्रत्याशी। सपा बसपा ने पहले जिस प्रत्याशी को उतारा था, पूजा पाल को, अब उनको हटाकर उनके स्थान पर अरुण शंकर शुक्ला अन्ना, उनको प्रत्याशी बनाया है सपा बसपा गठबंधन ने। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता श्री मदन मोहन शुक्ला। मदन मोहन जी, आपका स्वागत है। आप चूंकि उन्नाव में कांग्रेस के प्रभारी भी हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छी जानकारियां हैं उन्नाव की वास्तविक पृष्ठभूमि क्या है, किस तरीके से वहां चुनाव चल रहा है और आने वाले समय में किस तरीके की किस तरफ जाएगा, जरा इस पर प्रकाश डालें। देखिए, उन्नाव लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की एक सबसे बड़ी लोकसभा सीटों में से एक है। 6 विधानसभा उन्नाव लोकसभा में आते हैं जी, और 21 लाख और 22 लाख के बीच मतदाता, 21 लाख मतदाता हैं जो कम लोकसभा सीटों में होंगे। हाँ, इतना कम है, 20 के ऊपर कम वाली है। हाँ, उन्नाव की लोकसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी अनु टंडन पिछले लोकसभा 14 के बाद लगातार जनता के संपर्क में रही हैं। कोई ऐसा सप्ताह नहीं रहा होगा जिसमें वो 3 दिन और 4 दिन जनता के बीच में नहीं रही। कोई भी ऐसी घटना उन्नाव में नहीं हुई होगी, चाहे किसी को दैवीय आपदा हो, किसी के छप्पर में आग लग गई हो, या कोई बीमार हो, या किसी का सुख दुख का कारण हो, वहाँ अनु टंडन की उपस्थित 100% रही है, हमेशा वहाँ नहीं। यही कारण था कि साक्षी महाराज को भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देना चाहती थी और अंतिम समय में साक्षी महाराज को एक तरह से धमकाना पड़ा। क्या आप कहना चाहते हैं कि अनु टंडन की उपस्थिति उन्नाव में ज़्यादा रही बनिस्पत की साक्षी महाराज जो वहाँ के सांसद थे? साक्षी महाराज की तुलना में मैं समझता हूँ कम से कम 1-2 गुना नहीं, 150 गुना ज़्यादा रही। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब साक्षी महाराज तो सांसद होने के बाद भी सभी गांव का भ्रमण नहीं किया होगा, और अनु टंडन ने सभी गांव का भ्रमण एक बार नहीं, कम से कम 3-3, 4-4, 5-5 बार किया होगा। ये बात तो आपकी सही है कि साक्षी महाराज ने प्रत्याशी घोषणा के पहले ही ये बता दिया था कि देखिए साहब, मैं तो वहीं से लड़ूंगा और नहीं लड़ूंगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी, इस तरीके की चेतावनी तो उन्होंने पहले ही दे दी थी। अच्छा, ये जो अरुण शंकर शुक्ला अन्ना लड़ रहे हैं, इनकी क्या स्थिति है? देखिए, यही स्थिति जब, क्योंकि पूजा पाल का टिकट पहले पूजा पाल का घोषित किया गया, फिर पूजा पाल का काट कर इनको दिया गया। देखिए, यही स्थिति जब भारतीय जनता पार्टी समझ रही थी कि अरुण टंडन के आगे साक्षी महाराज नहीं जीत पाएंगे और प्रत्याशी बदलना चाहती थी, सपा बसपा गठबंधन कोई प्रत्याशी ढूंढ नहीं पा रही थी अरुण टंडन से जो मुकाबला कर सके, इसीलिए उन्होंने पहले जाति समीकरण को ध्यान में रखते हुए कि लोधी अगर उनके साथ भाजपा के साथ है तो यादव और पाल का समीकरण बना लें, उन्होंने पूजा पाल को एक प्रत्याशी बनाया, जिनका विवाह भी उन्नाव के ही एक पूर्व विधायक से हुआ था। लेकिन उसके बाद उनको
प्रत्याशी बनाने के बाद नामांकन के बाद या नामांकन के का नहीं कर पाई जो भी रहा। हाँ पहले ही एक ही दिन पहले, एक ही दिन पहले उनका प्रत्याशिता उनकी बदल दी गई। कारण क्या था कि उनको लगा कि शायद चूँकि भारतीय जनता पार्टी से जो उनका बेस वोट था वो नाराज होकर उन टंडन के साथ लगभग जुड़ चुका था, राज भी जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने साथ सोचा शायद वो नाराज वोट हमको मिल जाएगा और प्लस हमारा जो जातीयता के आधार पर गठबंधन उससे लाभ हो जाएगा। इस आधार पर उन्होंने अरुण शंकर शुक्ला को उतारा। लेकिन अरुण शंकर शुक्ला अनु टंडन से एक बार चुनाव हार चुके हैं, चुनाव दो बार जीत हारे हैं और एक बार तो करीब 3 लाख वोट से पीछे रहे उनसे जब 2009 में चुनाव अनु टंडन जीती थी। हाँ 5 लाख से अधिक वोट मिले थे। हाँ उस बार उनको मिला था अनु टंडन जी को 4,75,480 वोट मिला था और अरुण शंकर जी को मिला था 1,73,000 वोट। काफ़ी कम था। तो इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि अनु टंडन की स्वीकारता सभी वर्गों में है और उनके काम के आधार पर है, उनकी सेवा भाव के आधार पर है। दूसरी बात, ये दोनों प्रत्याशी बाहर के जिले के हैं। साक्षी महाराज एटा से हैं और अरुण शंकर जी लखनऊ से हैं। अनु टंडन उन्नाव की ही लड़की हैं और उन्नाव में लगातार उनका अपना निवास से लेकर हमेशा लगातार वहीं रहती हैं और सबके सुख दुख में खड़ी रहती हैं। इसलिए अनु टंडन की स्वीकारता सभी वर्गों में एक पारिवारिक रूप में, कहीं बिटिया के नाते कहीं बहन के नाते उनकी स्वीकारता है। वैसे भी उन्नाव में कांग्रेस का पहले भी ठीक ठाक रहा है हिसाब किताब और जियाउर रहमान अंसारी ये 3 बार वहाँ से सांसद चुने गए थे, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। जी जी, उनका बड़ा प्रभाव का क्षेत्र रहता था जी, तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस का प्रभाव रहता है वहाँ उन्नाव में। कांग्रेस का प्रभाव हमेशा काम के आधार पर रहा है। जियाउर रहमान अंसारी जी भी कभी जातीयता के आधार पर नहीं जीतते रहे। वहाँ हिंदू वोट ज़्यादा था, मुस्लिम वोट कम था जी जी। लेकिन जियाउर रहमान अंसारी भी लगातार 3 बार वहाँ सांसद रहे और वहाँ के उन्नाव में जो कुछ भी बेसिक विकास हुआ, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया या जो हुआ है, वो जियाउर रहमान अंसारी के समय ही आया। और अनु टंडन जी उसके बाद जब जीती, बीच में गैप रहा है और कांग्रेस काफ़ी पीछे चली गई थी, अनु टंडन जी ने फिर उसको जनता के बीच में काम किया और कांग्रेस का जो वोटर था उन पे में विश्वास पैदा हुआ, जनमानस का विश्वास पैदा हुआ। तो उन्नाव में इस वक्त मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो भी लड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी से लड़ रहा है, अनु टंडन लड़ रहा है। और अनु टंडन की और दोनों प्रत्याशियों का आज कोई भी अगर आप उन्नाव में सर्वे करें तो कोई ये नहीं कह सकता है कि अनु टंडन से कौन 2 नंबर पर रहेगा, कौन 3 नंबर पर रहेगा। कोई कहेगा बीजेपी 3 नंबर पर रहेगा, कोई कहेगा अन्ना महाराज नंबर 3 पर रहेंगे। अच्छा मदन मोहन जी, साक्षी महाराज ने अभी एक बयान दिया जी और उन्होंने भाषण में कहा कि भाई अगर उनको वोट नहीं मिला तो वो अपने हिस्से का जो पाप है मैं छोड़ जाऊंगा, वो उनको दे देंगे और यहाँ का पुण्य तो मैं ले ही लूंगा, सब पुण्य तो आपका ले ही लूंगा मैं, ये पाप वापस में बदले में दे दूंगा। साक्षी महाराज की तो इस बयान को आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, ये चुनाव आयोग की शिकायत गई है, कांग्रेस की ओर से भी गई है, प्रदेश और चुनाव आयोग ने संज्ञान में लिया है, उनको नोटिस गया है। एक नहीं कई बार इस प्रकार का साक्षी महाराज जी कर चुके हैं। अभी जब वहाँ एक शहीद हुआ था उन्नाव का, विजय सिंह ऐसे कुछ था उनका, तो उसके मैं गया था, उसमें भी गया था मैं। साक्षी महाराज उस रथ पर थे जिसमें शहीद का पार्थिव शरीर रखा गया था और हंसते हुए बाकायदा उनकी फोटो सब अखबारों में फ्लैश हुई। हाँ, वीडियो वायरल हुआ था हंसते हुए। वहाँ उसकी आलोचना भी हुई थी, वहाँ घाट में भी थे, तो वो कभी गंभीरता से नहीं लिया। दूसरी बात, साक्षी महाराज के वहाँ कोई निवास नहीं था, वहाँ पे उन्नाव में जब आए एमपी होने के बाद 3 आश्रमों के लिए लोगों से जगह ले ली, आश्रम के नाम पे कई कई बीघे जगह एक्वायर कर ली और जिन लोगों की जगह ली उसमें कुछ उनके समाज के लोग भी थे, उन्होंने कहा कि सब तुम ही लोग देखोगे। अब उनकी वहाँ एंट्री बैन है, बोले आपने तो लिख पढ़ दिया, अब इनकी एंट्री बैन है, उसमें आश्रम एंट्री नहीं होगी। आज उसका भी रिएक्शन है तमाम जगह, बजाय कुछ देने के उन्नाव के लोगों को, वहाँ से अपने आश्रम के लिए ज़मीनें 3-4 जगह ले ली उन्होंने।
और एक भी कोई काम साक्षी महाराज ऐसा नहीं बता सकते हैं जो उन्नाव के लिए एक लैंडमार्क हो या उन्होंने आने के बाद कुछ किया हो। जिस गांव को उन्होंने गोद लिया था उसका अगर सर्वे करा। मदन मोहन जी, इस बीच हमारे पास उन्नाव के हमारे संवाददाता राजेश जी हैं। उन्नाव की बात हो रही है इस समय, चलिए बाद में उनसे बात कराइएगा। हमारा कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। मदन जी आप अपनी बात जारी रखिए। तो आज साक्षी महाराज जी ने एक भी काम ऐसा नहीं किया है जो उन्नाव की कोई गरिमा को बढ़ाने वाला हो, किसी गरीब की मदद करने वाला हो, किसी क्षेत्र के विकास में हो। यहाँ तक कि जो उन्होंने गांव गोद लिया था उस गांव की भी हालत आज बद से बदतर है, उसमें कुछ नहीं हुआ। संत महात्मा के नाम पे ना उन्होंने गंगा सफाई के नाम पर, ना वहाँ पर किसी जगह पर कहीं करप्शन न कम हुआ। उनके समय में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने के ऊपर जो आरोप लगा हुआ आपके सामने है, जिसने उसके पिता की भी थाने में पीट पीट कर हत्या कर दी गई, लड़की ने बलात्कार का आरोप लगाया, आज वो जेल में है। ये भारतीय जनता पार्टी की वहाँ की उपलब्धियाँ हैं जो साक्षी महाराज के भी खाते में जाती हैं, क्योंकि उनका भी इतिहास ऐसे रहा है कोई भी दफा उनके ऊपर ऐसी नहीं जो न लगी हो, एक अपराधी इतिहास का भी उनका। तो क्या ये लग रहा है कि इन घटनाओं की वजह से भाजपा पीछे हो रही है या साक्षी महाराज के बयानों के कारण पीछे हो रही है? नहीं, भाजपा पीछे साक्षी महाराज का बयान एक कारण है। दूसरा कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादा अपने घोषणा पत्र में किया था, लोगों में विश्वास था कि जो काम कांग्रेस नहीं कर पा रही, धार्मिक भावनाओं को उन्होंने उभारा था कि अगर हमको बहुमत की सरकार दे दीजिए आप तो मंदिर का निर्माण हो जाएगा जो कांग्रेस के समय नहीं बन पा रहा। जनता ने भरपूर उनको बहुमत दिया, अकेले बहुमत दे दिया। जी जी। और आज की तारीख में प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक, मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल तक भारतीय जनता पार्टी का है। कोई कहने का अवसर नहीं था कि आप हम नहीं काम कर सकते। आप 3 तलाक पर अध्यादेश लाते हो, लेकिन जिन मुद्दों पर आप चुनाव जीत कर आए हो, चाहे धारा 370 हो, आपकी कश्मीर में मुख्यमंत्री थी, वहाँ भी राज्यपाल आपका था, केंद्र में भी आपकी सरकार थी, राष्ट्रपति भी आपका था, आप वहाँ से कश्मीर से प्रस्ताव ही पास करा लेते 370 का खिलाफ। आपने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो अपने वादे में, आपने कहा था कि कश्मीरी पंडितों को विस्थापित करेंगे, आप देखा ही कहीं कश्मीरी पंडित वहाँ विस्थापित किए गए हों। आपने उन्हीं महबूबा मुफ्ती के साथ 4 साल 4.5 साल उनके साथ सरकार चलाई, जिनकी आज आप उनकी कमियां निकालते हैं। आज वहाँ पर मैं दावे के साथ कहता हूँ कश्मीर में जितने सेना के लोग मारे गए उतने दिल्ली पुलिस के लोग नहीं मारे गए, वहाँ कश्मीर पुलिस के लोग नहीं उतने मारे गए। क्या कारण था? आप कश्मीर की पुलिस के, कश्मीर की सरकार आपके साथ थी लेकिन सेना के लोग वहाँ मारे जा रहे थे। और आज़ादी के बाद जितने सैनिक कश्मीर में मारे गए हैं, जितने सुरक्षा बल के लोग मारे गए हैं, CRPF के BSSP के सैनिक, उतने आज़ादी के बाद पिछले 4-5 सालों में कभी नहीं मारे गए। तो ये कारण है कि आपने जो वादा किया था धार्मिक भावनाओं का, दूसरा जो वादा किया था कि हम नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रतिवर्ष, नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, ये लिखित उनके मैनिफेस्टो में है। मैं जवानी बात नहीं, कोई जुमले की बात नहीं कह रहा हूँ, वो 2 करोड़ रोजगार। मदन मोहन जी, उन्नाव से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं जी। हाँ, क्या आप आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी। हाँ बताइए, क्या चल रहा है उन्नाव में, कैसा राजनीतिक समीकरण बैठ रहा है? देखिए, आपको बता दें कि उन्नाव लोकसभा क्षेत्र जो है इसमें 6 विधानसभाएं हैं और कमोवेश अभी यहाँ पर 5 विधानसभा की जो सीटें हैं उनमें तो भारतीय जनता पार्टी ने सीधी जीत दर्ज करी थी 2017 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन यहाँ मौजूदा सांसद भी साक्षी महाराज हैं जो काफी चर्चा में रहते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो चुनाव का परिदृश्य जो चल रहा है, खेती किसानी का समय चल रहा है, कटनी चल रही है, चुनाव सड़कों पर तो बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन त्रिकोणात्मक संघर्ष जो है वो स्पष्ट रूप से जो जनता की राय है वो निकल के आ रही है। ये साक्षी महाराज ने अभी जो कुछ बयान दिए थे जिसको लेकर वो चर्चा में आए, इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है वहाँ के आम मतदाता पर? जी देखिए, साक्षी महाराज और विवादित बयान एक दूसरे के पूरक है, उसका जनता पर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और साक्षी महाराज हमेशा जो भी बयान देते हैं उसके पीछे कोई ना कोई उनकी एक जो है सोची समझी रणनीति होती है। ये तो बयान जो उन्होंने सिर्फ शास्त्रों के नाम पे दिया था वो तो महज एक नॉर्मल बात थी, उससे पहले भी वो शुक्लागंज की एक मीटिंग में काफी विवादित बयान दे चुके थे। तो उस बयान का ये सीधा सीधा मतलब निकाला जा रहा था कि वो हिंदू वोटों को लामबंद करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा
और कोई आप जानकारी देना चाहते हो वहाँ के चुनाव के बारे में? जी, उन्नाव के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ जो है भौतिक परिवेश ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ मतदाता ज्यादा बसता है, 22 लाख वोट है लगभग यहाँ पर, 3 नगर पालिकाएं हैं बड़ी और 15 नगर पंचायतें, उसके अलावा 1044 ग्राम सभाएं हैं। से अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में वोटर ज्यादा है। आवारा जानवर यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है, मतलब ग्रामीण वोटर ही प्रभावित करेगा। जी, ग्रामीण वोटर का जिस तरफ रुख होगा वही प्रत्याशी जीत पाएगा यहाँ पर। जी, लेकिन अभी भी यहाँ की जो स्थिति है उसको देखते हुए लग रहा है जो मोदी लहर, जो मोदी फैक्टर है वो काफी कुछ काम कर रहा है। मोदी फैक्टर भी काम कर रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने जानकारी दी, अपडेट किया हम लोगों को। हाँ मदन जी, अब समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। कुछ भी करें आपकी परेशानी का होगा हल, बड़ा से बड़ा अपराध करें हम उठाएंगे आपकी आवाज और उन्हें सजा न दी जाए। देखते रहिए पब्लिक फोरम सिर्फ जेएमडी न्यूज पर, डॉक्टर रमेश वर्मा के साथ। के दुबे पद्मेश का नमस्कार। अब हम आपको प्रत्येक रविवार को आपकी समस्याओं का करेंगे समाधान ज्योतिष के दर्पण पे। आपको भेजना होगा अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान, किस पर? जेएमडी पर, केवल जेएमडी पर। और इसके बाद बताएंगे देश में क्या होने वाला है, कैसे पर्व और त्योहार मनाएं। प्रत्येक रविवार को 11 बजे से 12 बजे तक हम करेंगे ज्योतिष के माध्यम से मानव सेवा। नमस्कार। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित पवन तिवारी ज्योतिष चक्र के माध्यम से आपको बताएंगे रोजाना आपके राशियों का हाल कैसा रहेगा, आज का दिन आपका और क्या है आज का नक्षत्र। सुबह 8:30 बजे ज्योतिष चक्र में जेएमडी न्यूज पर। वीरों की धरती बुंदेलखंड की आवाज कुलदीप अवस्थी के साथ हर रोज देखिए 8:30 बजे सिर्फ जेएमडी न्यूज पर। समस्याओं और मुद्दों के लिए हमारे संवाददाता से 9452119566 पर करें संपर्क। आप देख रहे जेएमडी न्यूज चैनल के इलेक्शन लेटेस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब हम चर्चा करेंगे फतेहपुर लोकसभा सीट की। फतेहपुर लोकसभा सीट बहुत महत्वपूर्ण सीट है, गंगा और यमुना के बीच का ये क्षेत्र है। और आपको बता दें कि ये वो लोकसभा क्षेत्र है जो एक बार यहाँ से प्रधानमंत्री भी दे चुका है वीपी सिंह के रूप में, इसलिए बहुत चर्चित सीट है ये। यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी के रूप में केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति हैं। कांग्रेस ने इस बार राकेश सचान को प्रत्याशी बनाया है जो 2009 में समाजवादी पार्टी से सांसद चुने गए थे और उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में ही काम करते रहे। लेकिन चूंकि यह सीट सपा बसपा गठबंधन में बसपा के खाते में चली गई, सपा को नहीं मिली, जबकि उनका नाम पहले घोषित कर दिया गया था, तो फिर वो कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस से इस बार जनता के सामने मौजूद हैं।
बहुजन समाज पार्टी ने सुखदेव वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। ये कारोबारी व्यक्ति हैं, बिंदकी से दो बार विधायक रह चुके हैं। मदन मोहन जी, फतेहपुर के बारे में क्या जानकारियां हैं, कैसा लग रहा है आपको चुनाव वहां का? चुनाव इस बार निरंजन ज्योति जी की फतेहपुर में बहुत कम आने की वजह से फतेहपुर की जनता में उनसे निराशा थी और वो खुद भी वहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी। आप लोगों को ध्यान होगा, पहले ही था कि निरंजन ज्योति जी कहीं और जाएंगी, कभी उन्नाव की चर्चा होती थी, कभी हमीरपुर की होती थी, और इसी को कारण देख के मुझको लगता है उन्होंने वहां जाना आना भी कम कर दिया था। राजेश वर्मा हमारे फतेहपुर के संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हाँ राजेश जी, जी बताइए वहाँ क्या चल रहा है, क्या समीकरण है फतेहपुर लोकसभा सीट के? जी, जैसे जैसे गर्मी का तापमान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे यहाँ चुनावी तापमान भी बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर फतेहपुर लोकसभा में देखें तो तीन प्रमुख दलों भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी के गठबंधन तथा कांग्रेस के प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी से जो की यहाँ के निर्वाचन सांसद है, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति एक बार फिर लोकसभा का चुनाव भाजपा से लड़ रहे हैं। वहीं सपा बसपा गठबंधन से जिनकी विधानसभा सीट के पूर्व विधायक सुखदेव प्रसाद वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं पूर्व सांसद जो फतेहपुर के पूर्व सांसद है राकेश सचान, जिन्होंने जिनको टिकट न मिल पाने पर सपा बसपा गठबंधन से टिकट न मिल पाने पर कांग्रेस ने ज्वाइन किया था, इसके बाद कांग्रेस ने उनको यहाँ पर अपना प्रत्याशी बनाया है। तीन प्रमुख प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव मैदान में है और तीनों ही इस समय जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। जहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की बात करें तो जहाँ एक और लोगों में हल्का सा थोड़ा निराशा जरूर है, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जो भाजपा की प्रत्याशी है, काम के प्रति लोगों में निराशा है। इनसे किस बात की निराशा है लोगों, क्या अपेक्षाएं थी? बेहतर नहीं पार करना चाहिए इनसे किस बात की निराशा है राजेश जी? राजेश जी, इनसे किस बात की निराशा है जी? हेलो। हाँ राजेश जी, इनसे निरंजन ज्योति से किस बात की निराशा है लोगों को, क्या काम नहीं पूरे किए? निराशा है कि जितनी काम की अपेक्षा थी वो काम पूरा नहीं हो पाया है और लोगों में तमाम जैसे मेन यहाँ बिंदकी विधानसभा क्षेत्र में बिंदकी क्षेत्र के इलाके की बात करें कि अधूरा बाईपास पड़ा हुआ है, अब दो साल से अधूरा बाईपास पड़ा हुआ, केवल 100 मीटर की चौड़ाई बाईपास है। लोगों की बड़ी मांग थी कि इस बाईपास को बनवा दिया जाए ताकि जो कानपुर से और लखनऊ से सीधे बांदा सागर मार्ग जाने वाले मार्ग में बिंदकी कस्बे के अंदर से ना जाकर शहर के लोग आने जाने लगे तो जो है दुर्घटनाएं कम हो जाए। और इसके अलावा जो सरकारी अस्पताल में दवाइयां व्यवस्था है वो तमाम व्यवस्थाएं अभी नहीं मिल पाती है जिसके कारण लोगों में नाराजगी का माहौल बना हुआ है। लेकिन वही निरंजन ज्योति किस तरह का मोदी का माहौल बना हुआ है, काफी लोग वो मोदी के सारे बेतरनी पार करना चाहती। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपडेट किया। हाँ मदन जी, देखिए जब राकेश सचान चुनाव का नामांकन के पहले ही प्रियंका गांधी का वहां पर जाना, उनके समर्थन में धमकदार रोड शो करना, ऐसा लगता है कि कांग्रेस इस सीट को बहुत प्रमुखता से ले रही है। कांग्रेस पार्टी हर सीट को प्रमुखता से ले रही है क्योंकि वहां पर उनकी मांग थी कि एक बार आप हमारे क्षेत्र में आ जाइए, जनता चाहती है कि उनके क्षेत्र जाए। और वो चुनाव आज जो वर्तमान प्रत्याशी निरंजन ज्योति जी से लोगों में उनके प्रति गुस्सा और निराशा है, और ये सांसद वहाँ रह चुके हैं, सांसद रहने के बाद पिछले 4-5 साल ये पूरी तरह जनता के संपर्क में रहे हैं, जब से चुनाव ये हारे थे तब से लगातार जनता के संपर्क में हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि दोनों प्रत्याशी उतना संपर्क में नहीं रहे हैं। प्रियंका जी के जाने के बाद उस चुनाव में वहाँ भी हर प्रत्याशी केवल राकेश सचान से चुनाव लड़ रहा है और मेरी पूरी उम्मीद है वहाँ पे कि कांग्रेस पार्टी वहाँ चुनाव जीत रही है, क्योंकि जो कांग्रेस ने घोषणा की है कि हम जो 22 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के केंद्रीय जो भर्ती की जगह खाली पड़ी हैं, खाली पड़ी हैं, हमने उन्हें कोई झूठा वादा नहीं किया कि जो केंद्र में 22 लाख जगहें खाली पड़ी हैं, सरकारी पदों की खाली रिक्त हैं,
उनको मैं अगले मार्च तक उनकी भर्ती कर दूंगा, ये राहुल गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष ने घोषणा की, अपने घोषणा पत्र में लिखा है। दूसरा, जो परिवार जिनकी आय 5 करोड़ परिवार चिन्हित किए गए हैं, जिससे 25 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे, जिसमें बाकायदा उसको चिन्हित करने के बाद ये फैसला लिया गया है कि उनको 72,000 रुपया पर ईयर उनको मदद की जाएगी, जिससे कोई किसान हो चाहे मजदूर हो, उसका परिवार कोई भूख के अभाव में, इसके अभाव में कोई अपना आत्महत्या न करे। आप तीसरी बात ये कि हमने रोजगार के लिए एक अलग से खाका बनाया है, किस तरह से हम लोगों को प्रतिवर्ष कैसे रोजगार के अवसर मुहैया कराएंगे। चौथी बात, महिलाओं के लिए हमने 33% आरक्षण की बात की है। और जो हमारा घोषणा पत्र है, हमने इसके पहले किसानों के लिए जो कहा गया है कि उनको अब कोई उनके यहाँ आरसी नहीं होगी, अगर उनका कोई दे बकाया है तो उनको कोई, मतलब आपका कहने का आशय ये है कि जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है वो इतना अच्छा है, गांव-गांव में इसकी चर्चा, गांव-गांव में इसकी चर्चा है और उसका प्रभाव ही है। हाँ, प्रभाव है। दूसरा, उन्होंने कांग्रेस जानते हैं, कांग्रेस ने जो कुछ कहा वो किया है। अगर हमने 100 दिन का मनरेगा का कहा था तो आज 150 दिन का मनरेगा का किया है कि वहाँ का गांव का मजदूर जो है उसको शहर न भागना पड़े, उसको वहीं को वहीं रोजगार मिले। नहीं, ठीक बात है। 100 दिन की गारंटी दी। मदन मोहन जी, आज आपसे उन्नाव और फतेहपुर लोकसभा सीटों पर बहुत अच्छी चर्चा हुई। जेएमडी न्यूज के इलेक्शन लेटेस्ट में हम एक शब्द और कह के बात समाप्त करेंगे जी, कि जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया सब झूठे वादे किए, जनता में आक्रोश है, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, केवल जुमलेबाजी करते हैं। आज अगर राफेल पर राहुल गांधी ने कहा था कि इसकी जांच जेपीसीसी कर कराई जानी चाहिए, जो राष्ट्रीय संस्था है कांग्रेस, जो संस्था है, या तो संस्था को खत्म कर दे, संस्था विश्वास नहीं, वरना उस पर जांच कराने में क्या आपत्ति थी, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाता। मदन मोहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इलेक्शन लेटेस्ट में फतेहपुर और उन्नाव सीटों पर बहुत अच्छी चर्चा की। जेएमडी न्यूज चैनल के इलेक्शन लेटेस्ट में हम इसी तरीके से आगे भी चर्चाएं जारी रखेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। रहे हैं।